हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम हेयर कैसे ड्रॉ करें उसको पर हम बात करेंगे। हेयर ड्रॉ लोग को करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो हम उसको एकदम आसान भाषा में हम उसको समझाने की कोशिश करें। चलिए बताते हैं पहले स्टेप नंबर वन। तो आपको पहले आउटलाइन कर लेना है, हल्का हल्का लाइट लाइट टू डार्क लगा लगा के उसको हल्का हल्का मतलब शेडिंग कर दीजिए, ठीक ना। तो आपको हम बताते हैं, उसे तो समझ में नहीं आएगा एक्चुअली। चलिए हम स्लिप पेपर पर समझाते हैं। तो मैं चारकोल पेंसिल का यूज करूँगा, जो कि मैं ग्रेफाइट पेंसिल से नहीं मैं बनाऊँगा, ये चारकोल पेंसिल है उसी से मैं बनाऊँगा। तो चलिए देख। तो पहले पेपर ले लेंगे, और पेपर लेने के बाद ये 2B पेंसिल है, मैकेनिकल पेंसिल, और मैं आउटलाइन स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे आउटलाइन कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार आपको स्ट्रोक लगा लगा कर आपको आउटलाइन करना है। और मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर दिया हूँ, ताकि ऐसे अराउंड मुझे रियल टाइम इसको आउटलाइन करने में हमको 9 मिनट लगा है रियल टाइम आउट करने में। उसके बाद हम चारकोल पेंसिल लिए कैमलिन के सॉफ्ट, और मैं उससे डायरेक्ट मैं टोक्स नहीं लगाया हूँ। उसके बाद शेडिंग करने के बाद फिर अपने आप ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, और मैं उसके बाद ब्रश का इस्तेमाल किया हूँ। जो कि मैं बता देता हूँ वह है, मैं दोबारा चारकोल पेंसिल मैंने लगाया था, लेकिन मैं वो चीज़ रिकॉर्डिंग नहीं किए थे। में नहीं हुआ है, दोबारा हमको पेंसिल लगाना पड़ा है, तब इतनी डार्क हुआ है। ऐसे कैमलिन का तो एक बार में ही डार्क हो जाता है, लेकिन मैं हमको और भी ज़्यादा डार्क चाहिए था, इसीलिए हमको दो बार लगाना पड़ा। मोनो जीरो इरेजर है, तो उससे हम हाईलाइट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये कुछ ऐसे हाईलाइट दीजिएगा तो और भी बेहतरीन लगेगा। हाईलाइट देने से क्या होता है, रियल रियल दिखने में लगता है। तो आप ये देख सकते हैं। जहाँ पे छोटा छोटा बियर्ड है वहाँ पर भी हाईलाइट देने से रियल दिखने लगता है, तो वहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद
उसके बाद ऊपर से चारकोल, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करके और थोड़ा सा टॉक्स दे रहा हूँ ताकि रियल दिखने में लगे। एक एक बाल का फर्श जो है वो उभरा लगेगा तो दिखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, किसी भी बाल को आप डायरेक्शन उसी तरह चेंज कीजिए। तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का हम वीडियो लाते रहते हैं। तो थैंक यू।